नमस्कार, आप सभी को आप बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश जश्न आज़ादी के स्पेशल कार्यक्रम घटना चक्र में। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को 70वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 71वां बल्कि कह सकते हैं, 70 साल पूरे हो गए हैं, 71वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन 70 सालों में हमने क्या पाया, तमाम चीज़ें ऐसी रहीं, दुनिया भर में भारत का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है, तमाम चीज़ों में हमने काफ़ी आगे तक पहुंचे हैं। कई सारे क्षेत्र ऐसे रहे, शिक्षा, एजुकेशन, इसके अलावा जो शिशु मृत्यु दर है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जहां पर अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। कहां पर हम हैं, इस तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिनेश सिंह जी मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मौजूद हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिलीप केसिंग जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सभी मेहमानों से बहुत छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे कि इन 70 सालों को आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में हमें जहां पहुंचना था वहां हम पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे हैं। बहुत छोटी छोटी टिप्पणी, अजय जी आपसे शुरुआत करेंगे, सभी से दो दो मिनट का समय सबको। जब स्वतंत्रता मिली थी भारत को, उस समय देश की जो परिस्थितियां थी, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, रणनीतिक क्षेत्र में या आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न पे, निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याओं से हम ग्रसित थे। और तब से लेकर के आज तक जिस तरह से निरंतर प्रगति के पथ पर देश बढ़ता गया, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, तकनीकी विकास के क्षेत्र में हो, दूरसंचार के क्षेत्र में हो, आर्थिक लोगों की उन्नति के स्तर को देखें, जनसंख्या के तुलनात्मक उसके शैक्षणिक स्वरूप को देखें, सभी चीज़ों में किसी न किसी रूप में हम आशावादिता के साथ आगे बढ़े हैं। निश्चित तौर पे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी हमें समस्या है, इन 70 वर्षों में भी, जैसे शिक्षा का जो स्तर और होना चाहिए उसमें कमी है, बेरोजगारी निश्चित तौर पे जिस लेवल पर पूरी तरह से उसको हमें रोकना चाहिए था वो अभी हम पूर्णतः नहीं रोक पाए हैं, या और भी कई मामले हैं, जैसे अब एक अलग तरह से समाज में जो हिंसात्मक एक सोच पैदा हुई है उसके मामले में, या लोगों की आज़ादी, जो मानसिक आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, लोगों की को जीने के अधिकार की आजादी, जितनी स्तर पे जो भारत के संविधान के निर्माताओं ने जिन सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, विकास के स्तर को जहां ले जाने का प्रयास किया था, उसमें अभी और भी आगे हमें चलना है, इस देश को अभी बहुत आगे कई कदम बढ़ाने हैं, कई कदम बढ़ाने। उपेंद्र जी, 70 सालों को के हिंदुस्तान को कैसे देख रहे हैं आप? तरक्की की है, बहुत सारी सामाजिक रूढ़ियाँ समाप्त हुई है, समाज है, ये एक वाइब्रेंट समाज बनता जा रहा है। हम बिलो पॉवर्टी लाइन की जो आबादी है वो भी पहले से कम हुई है, मतलब है कि हम विकास के स्तर से ऊपर बढ़े हैं और इसका फायदा देश के तमाम तबके के लोगों को मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये कि हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमने जो जितना स्तर ऊपर प्राप्त कर रहे हैं वैसे ही हमारा संतोष का स्तर है जो और घटता जा रहा है, क्योंकि लगता है कि हमें और कुछ होना चाहिए, तभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा जरूरत तो है कि जो आर्थिक विषमता है और क्षेत्रीय असंतुलन है, ये जो दो बातें हैं कि व्यक्तिगत आय की विषमता और क्षेत्रीय असंतुलन, ये जो हो रहा है, और उसके साथ साथ है कि जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है युवाओं का, तो यह एक है कि हम ज्वालामुखी के मुँह पर बैठे हुए हैं कि अगर हमने सही ढंग से लोगों को बेरोजगार नहीं दिया, एकोमोडेट नहीं किया, क्योंकि विकास दर तो बढ़ी है बहुत ही, 7% 8%, लेकिन उसी विकास दर के साथ साथ कुछ खामियां आ गई है, जैसे किसानों की हत्याएं हो रही है, ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है जो इम्बेलेंस्ड हो गया है, तो उस इम्बेलेंस होने के कारण है कि एक असंतुलन भी समाज में पैदा हो रहा है, तो उस असंतुलन को हमें जल्दी से जल्द समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हमने जो अचीव किया है वो कुछ कम नहीं है, कम नहीं है 70 सालों में। दिलीप जी, संतुष्ट हैं आप जो 70 सालों में हमने अचीव किया है? पहली टिप्पणी आप। ये तो जरूर कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहां भारत की उपलब्धि दुनिया के कई मुल्कों के, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें, कई क्षेत्र में हमने एक उपलब्धि, अगर इंटरनेशनल पैरामीटर्स को भी हम रखें जी, तो वो उपलब्धि हमारी है। दो पक्ष हैं इसके, एक पक्ष तो है कि आपने कुल मिलाकर के जो आपके समय मिले 70 साल में, और भी मुल्क आजाद हुए और भारत को भी आजादी मिली, भारत ने एक संसदीय लोकतंत्र
एक मजबूत लोकतंत्र की अब तक दिख रहा है कि हमने नींव डाल दी है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे इस वक्त कि एक आप डिस्पाइट ऑल ऑड्स, अगर हम आपातकाल को छोड़ दिया जाए एक एब्रेशन के तरह, तो एक मजबूत लोकतांत्रिक जो सिस्टम है उसको हमने नींव डाल दी है। लेकिन उसमें कुछ इस तरह की खामियां हैं जो उसके साथ उसको घुन के तरह खा रहे हैं, चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो इस लोकतंत्र में जो उम्मीद, जो एक लार्जेस्ट जनसंख्या है, नियरली सबसे ज्यादा भूखे लोग हमारे देश में आज भी, सबसे ज्यादा लोग से नियरली 70% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि दो वक्त की रोटी के लिए आज वो 70 साल के बाद भी लगभग जद्दोजहद कर रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है, वो जॉब के साथ आप देख लें, आर्थिक तरक्की के साथ आप देख लें, सामाजिक जो हमारे हमारी व्यवस्था है उसके कारण देख लें, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एब्सोल्युटली मुझे लगता है जहां पर कि हमें बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। दिनेश जी, 70 साल देश की आजादी के युद्ध भी लड़े गए, इस दौरान तमाम समस्याएं भी आई, वो और उस ये दौर भी हमने देखा कि जब गेहूं तक विदेश से मंगाना पड़ता था, फिर हरित क्रांति भी हमने देखी, कैसे देख रहे हैं 70 सालों को आप? निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आजादी के बाद से इन 70 सालों में देश ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वैज्ञानिक खोज के क्षेत्र में हो, हमने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन हमारे जंगे आजादी के जो दीवाने थे, जो क्रांतिकारी थे, जो सपना उन लोगों ने देखा था, सवाल यह है क्या आज वो सपना पूरा हो पाया है? क्या उन्होंने इसी भारत की परिकल्पना की थी? अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, निश्चित तौर पर उस आजादी मिलने के बाद हमने बहुत सारी प्रगति की है, लेकिन आज भी कई चीजों में हमको आजादी चाहिए, जिसकी तरफ दिलीप जी ने इंगित किया। क्या हम यही सपना देखे थे कि आजाद हिंदुस्तान में हमको भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए, हमको अशिक्षा से आजादी चाहिए, हमको अस्वास्थ्य से आजादी चाहिए? तो अभी ये आजादी हम समझते हैं कि जो पूरी हुई है, अभी इन क्षेत्रों में हमको आजादी की आवश्यकता है, जिनका सपना हमारे उन वीर बहादुर नौजवानों ने देखा था। निश्चित तौर पर हम आज प्रगति के पथ पर अन्य देशों की तुलना में हम बहुत अग्रसर हुए थे। एक दूसरा देश है कि जो एक ही साथ हम लोग आजाद हुए थे, लेकिन आज अगर उससे हम अपने आप को तुलना करते हैं तो निश्चित तौर पर हम काफी प्रगति पर हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो 70 सालों में किया जाना चाहिए था, मुझे लगता है वो पूरा नहीं हो पाया है। वो सपना, उन अमर शहीदों का सपने को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी राष्ट्रभक्तों की है। हमें लगता है कि उस उनके अधूरे सपने को हम सब मिलकर पूरा कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। पुष्पेन जी, 70 साल दो मिनट में बताइए, कैसे देख रहे हैं आप? 70 साल में आप कहने को तो हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन 70 साल में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती और जो ज्यादा बड़े रूप में हमको नजर आती हैं। मुझे लगता है कि आज देश को बाहर से ज्यादा अंदर से चुनौती ज्यादा मिल रही है। देश में विघटनकारी ताकतें बहुत मजबूत हुई हैं, और मैं समझता हूं कि राज्यों के अलावा जिस तरीके से अलग अलग ग्रुप में लोग संविधान को चुनौती दे रहे हैं, कुछ अदालतों को चुनौती दे रहे हैं, आज 70 साल के बाद इस देश में इस बात पे बहस हो रही है कि हम तिरंगा नहीं फहराएंगे, हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि ये बड़ी चुनौती है देश के लिए अगर हम 70 साल के बाद इस बहस में उलझे हुए हैं। जहां तक आप दूसरी चीजों को देखें, मैं मानता हूं कि पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ी है उस हिसाब से तो चीजें बढ़ी हैं, लेकिन आज भारत की एजुकेशन की स्थिति यह है कि अगर प्राइवेट सेक्टर ना हो तो भारत की जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट है। हम देखें कि हमारे यहां जो लोग शिक्षा ले रहे हैं वो किस किस्म की शिक्षा ले रहे हैं और वो किसके लिए ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं शिक्षा लेकर के। भारत की शिक्षा में भारत का ना मूल है, ना परंपराएं हैं, ना भाषा है, ना चाल ढाल है। वो शिक्षा जो ली जा रही है वो वेस्ट की शिक्षा ली जा रही है। वो लोग जो बन रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, वो देश को और विदेशों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। हेल्थ का हम स्थिति देखें तो हमारे यहां आज भी जो है हजारों लोग मेडिकल की अभाव में मर जाते हैं। उन घटनाओं को छोड़ दीजिए, कुछ अगर इक्का दुक्का छोड़ दें तो आज भी विदेशी दवाओं की इतनी इतनी किल्लत है कि हम उन दवाओं के खरीद ही नहीं सकता हमारा एक आम आदमी जो है। आज हमारा मेडिकल इतना महंगा हो गया है, 5 स्टार हमारे यहां मेडिकल वो बन गए हैं, 5 स्टार शिक्षाएं बन गई हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल पे हम एक जमाने देखा करते थे, हम दो हमारे दो का नारा लगता था, लेकिन कोई पार्टी कोई सरकार पॉपुलेशन जो सबसे बड़ी एक समस्या है कि हर साल इस देश में एक
ऑस्ट्रेलिया के बराबर की जनसंख्या बढ़ जाती है, उतने रिसोर्सेज अगर दुनिया में सारी ताकत भी लगा दी जाए तब भी आप उतने रिसोर्सेज नहीं लगा सकते। 2019 तक 20 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार होंगे। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति कितनी भयानक है, पॉवर्टी की स्थिति जो दिलीप ने कहा है, तो ये वो चुनौतियां हैं कि जो पॉपुलेशन के साथ साथ उनकी गिनती भी ज्यादा हुई है। जहां हम बहुत सारी बातें कहते हैं, चाहे विदेश का मामला हो या और दूसरी अंतरिक्ष की बात हो, विज्ञान की बात हो, लेकिन जिस तरीके से हमारा दायरा बढ़ रहा है उस तरीके से हमने चीजों को, जो मूलभूत चीजें हैं वो नहीं है। आज भी हमारे यहां चुनाव में सड़क बिजली पानी, आज 70 साल से सड़क बिजली पानी अगर तय नहीं हो पा रहा है तो हम फिर दुनिया की और चीजें क्यों देखें। और अगर हम सारी अपनी बातचीत को, अपने डेवलपमेंट को एक ऐसे राज्य से, जो एक ऐसे देश से जो आर्टिफिशियल राज्य है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको एक आर्मी चला रही है, अगर हम उससे बार बार कंपैरिजन करेंगे तो लगेगा कि हम बहुत महान हैं, लेकिन हम चाइना से क्यों नहीं अपने आप को देखते, हम कोरिया से क्यों नहीं देखते, हम सिंगापुर से क्यों नहीं देखते। तो यह भी है कि आप किस तरह से देखते हैं चीजों को। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब जरा इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर में 70 सालों में तमाम प्रयास हुए आगे बढ़ने के, लेकिन चूक कहां कहां हुई है और हम अभी कहां पर मौजूद हैं, जिन क्षेत्र में अब तक 70 सालों में उतनी तेजी से काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, जिन पर अब फोकस करने की आवश्यकता है। अजय जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे इस देश के अंदर, एक तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का आंकड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये आंकड़ा जो है अभी तक एक बड़ा आंकड़ा बना हुआ है। इस देश में अगर 18 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिन जहाँ पे हम चांद पे पहुँचने की बात करते हैं, वो लोग चांद देखते देखते सो जाते हैं, लोगों को खाने को नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको लगता है यहाँ पे एक बड़ी चूक हुई, कहाँ पे किस वजह से जो है हम इस समस्या से निपट नहीं पाए? जहाँ तक गरीबी मिटाओ की बात है या देश में संपन्नता लाने की बात है, तो पिछले जिस तरह से 70 साल में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से या पंडित नेहरू के दूरदर्शी सोच, जो उस समय की जो भारत की परिस्थितियां थी, आप याद करें 1947 के समय देश किस स्थिति में था, देश के पूरे जनसंख्या को, जबकि जनसंख्या कितनी कम थी, बावजूद उसको हम पूरी तरह से फीड करने की स्थिति में नहीं थे, और उसके लिए विदेशों पर हमें उनके आयात पर निर्भर रहना पड़ता था खाने के सामानों के लिए। आज धीरे धीरे क्रमशः, ऐसा नहीं है कि ये क्रांति जो है एक दिन में होती है, जैसे एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हुए, उसके अलावे जो आर्थिक क्षेत्र में और भी बहुत सारी गतिविधियां चली हैं। आप देखेंगे जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय पाकिस्तान और उसके साथ दो साल बाद चाइना में जिस तरह से एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वहां रिवॉल्यूशन हुआ और वहां सरकार आई, हमारे यहाँ जिस तरह से लोकतांत्रिक पद्धति के तहत देश को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ, पूरे दक्षिण एशिया के यदि रीजन को और यहाँ की गरीबी को आप मापदंड बनाए, तो पूरी दक्षिण एशिया में पाकिस्तान हो, चाहे बर्मा हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल और भूटान की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन श्रीलंका उसमें निश्चित तौर पर सम्मिलित होता है, इन देशों की यदि गरीबी रेखा को यदि का भी आप हम आकलन करें, तुलनात्मक विवेचन करें, तो उस हिसाब से भारत ने गरीबी को मिटाने के क्षेत्र में भी आशा से बहुत आगे जाकर के प्रगति की, लेकिन चूंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती रही और वो जो अनुपात था, जो हमें सेक्टर में, जिन सेक्टर्स में विकास करना चाहिए था और ज्यादा गति से, ताकि उसका फायदा लोगों को मिलता, वो उस स्तर पर नहीं मिल पाया है, यह सच्चाई है। और उसके लिए आज की सरकार, भविष्य की सरकार, देश को निरंतर सबको लेकर चलना चाहिए, तभी जाकर के देश का और इस मुद्दे को हम मिटा पाएंगे। लेकिन आज भी 35% के लगभग गरीबी यदि है बनी हुई, तो निश्चित तौर पे है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन जहां थी उससे बहुत कम। ये नंबर जो है, जब हम एक्चुअल नंबर्स देखते हैं तो कई देशों से बड़ा जो है संख्या निकल के आ जाती है। उपेंद्र जी, आप जी, क्योंकि अजय जी हैं, कांग्रेस पार्टी की सत्ता देश में लंबे समय तक रही है, जो यूनाइटेड नेशंस का एक जो अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, उसमें कहा गया है कि 194.6 मिलियन अंडर नरिश पीपल हिंदुस्तान में रहते हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये 194.6 मिलियन, आप सोच सकते हैं कि इस संख्या को अगर हम देखते हैं तो ये लगता है कि 70 साल में वो कौन से कारण है, क्योंकि यहाँ पे फोकस करने की आवश्यकता है। तमाम जो सरकारें बन रही है उन सरकारों के
जो प्रमुख होते हैं, वो जो दल के प्रमुख होते हैं, वो जो तमाम गठबंधन होते हैं उसके जो प्रमुख होते हैं, पूरे दिन जो गाते हैं एक बात का गीत जो गाते हैं वो है गरीबी हटाना है, गरीबी मिटाना है और गरीबों के लिए हम काम करते हैं, गरीबों के लिए हम समर्पित हैं। ये गरीबी और गरीबों की संख्या बढ़ते गई देश में, आज इतने ये गरीब लोग हैं इस देश में, तो कहीं तो कोई फंडामेंटल मिस्टेक है, कहीं तो कोई गलती है, कहीं तो कुछ तो चूक है, कहीं तो कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। क्या अजय जी इस बात को आज चिन्हित कर पाएंगे कि वो कहां पे चीजें हम दुरुस्त नहीं थे जिसके वजह से हम इस चीज को उपलब्ध फोकस नहीं कर पाए, कौन से किस कारण से, और दूसरा आज के समय में हमें कौन से ऐसे कदम, दो कदम या तीन कदम या एक कदम उठाने चाहिए जिससे इस चीज को हम फोकस करके इसका हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अजय जी से देखिए, पहला तो कारण जो मुख्य कारण है इस जो जनसंख्या का आपने जो आकलन यूएनए के सर्वे को बताया 18.4 में मानता हूं कि 18.4 करोड़ के लगभग ये आज भी मेल न्यूरिस्ट पीपुल है। तो जब देश का की स्वतंत्रता हुई थी, देश जब आजाद हुआ था उस समय 48 करोड़ पूरी जनसंख्या थी, आज तकरीबन 130 करोड़ जनसंख्या है। और 130 करोड़ के यदि अनुपातिक दृष्टिकोण देखेंगे तो उस समय जो आकलन यदि किया जाता तो आज है, इसको स्वीकारना चाहिए हमें, और स्वीकारे बिना, सच्चाई को स्वीकारे बिना आप उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। लेकिन औसतन बहुत सारी चीजें उसमें सुधार भी हुआ है, लेकिन ये है तो ये कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए आप आर्थिक विकास का जो पैमाना है जिसमें सभी चीजें आती हैं, ये जो गरीब भुखमरी है, भुखमरी एक चीजों से सिर्फ नहीं है, भुखमरी के कई कारण हैं। कई बार आपके प्रोडक्शन का भी मैटर है और प्रोडक्शन से ज्यादा आपको जो है उसके संचालन का बात आ जाता है, आप जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे आप देख सकते हैं किस तरह अभी प्याज का और टमाटर का मूल्य बढ़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले किसान खेतों पे टमाटर और को मूल्य नहीं मिलता था तो वो रोड पर उसको फेंक रहे थे, और आज हमें 100 रुपए टमाटर खरीदना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, इसको यदि सुधारा जाता, इस तरह से लाखों टन गेहूं आज भी बर्बाद हो रहे हैं, उसके सुधार की जरूरत है। वेयर हाउसेस की यदि कमी है तो उस वेयर हाउसेस को पूरा अजय है सरकार, पिछली सरकार, अभी की सरकार को भी करना चाहिए, अजय जी तभी आगे बढ़ेगा। अजय जी मेरा जो सवाल था कि जो कि सबसे लंबे अरसे तक आपकी पार्टी की सरकार रही है देश में, आपको लगता है कि किस वो लीडरशिप की प्रॉब्लम थी, हमारी प्लानिंग की कमी थी या हमारे इम्प्लीमेंटेशन की कमी थी, कहाँ हमारी चूक है, सबसे ज्यादा कहाँ फोकस करना चाहिए कि हमारे कि ये जो स्थिति है, अगर वो हमारे पास चेन डिस्ट्रीब्यूशन का हम नहीं बना पाए, हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं तो प्रॉब्लम है जिसको हमने एड्रेस नहीं किया है। नहीं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीटर्स हैं ऐसा नहीं है, अनुपातिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जो भी सरकार होती है सरकार की अपनी सीमाएं होती है, सरकार एक दिन में सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, कुछ वर्षों में भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो समाधान होता है उसके साथ समस्याएं भी दिन प्रतिदिन आती रहती हैं। ऐसा नहीं आज 3 साल इधर भाजपा की सरकार है, इससे पहले भी 5 साल भाजपा की सरकार रही, 8 साल में जो उन्होंने वादा किया वो सभी पूरा कर पाएंगे, उनकी भी मजबूरी है। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, अब बात आती है कि इसके क्या समाधान होने चाहिए आगे, या होना चाहिए था। तो मैं मानता हूं कि एक तो है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिस मंशा से और जिस सोच से बनाई गई थी और उसका जिस तरह से आम लोगों को गांव के लेवल पर फायदा होना चाहिए था, उसमें स्थानीय राजनीति और स्थानीय सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट्स के मेजर रोल थे, क्योंकि इसमें ये स्टेट का भी ये मुद्दा होता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जरा बीच में और उसमें कई जगह समस्याएं क्रिएट हुई है, पहले भी हुई है, आज भी हो रही है, और मुझे नहीं लगता इसके सुधार की संभावना है, ब्यूरोक्रेटिक सुधार की इसमें आगे। यदि मैं पूरा आशा करूंगा, विश्वास के साथ चाहूंगा, जो आज सरकार में जो पार्टी है वो इसको सुधारे, जितना प्रयास करे, और उसमें यदि जहां हम लोग की जरूरत पड़ेगी हम लोग पूरे इच्छा शक्ति के साथ उसको समर्थन देंगे। विपुल जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी हमारे साथी बात कर रहे थे, जब ये बात करते हैं तो चीजों को पता नहीं समझते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा इस देश में अगर शासन रहा है तो इन्हीं की पार्टी का शासन रहा है। सिर्फ नारा इन्होंने दिया कि गरीबी मिटाओ, गरीब मिट गए, लेकिन गरीबी मिटी नहीं बल्कि अमीरी और गरीबी के बीच में खाई बढ़ती गई। सिर्फ नारा और योजनाएं ऐसी बनी कि उन योजनाओं से जो अमीर थे वो तो मालामाल हो गए और जो गरीब थे वो कंगाल हो गए। आपने किसी तरह से इस तरह की जो योजनाओं का निर्माण आपने किया, और आप एक बात और कह रहे थे, कुछ समय सरकारों में तालमेल नहीं था,
और मैं ये भी बताना चाहूंगा उस समय आपकी केंद्र में भी सरकार हुआ करती थी और मैक्सिमम राज्यों में भी आपकी ही सरकारें हुआ करती थी, लेकिन उसमें इतने लोपोल्स थे आपके प्रधानमंत्री को कहना पड़े कि अगर एक रुपया चलता है तो गांवों तक 10 पैसा पहुंचता है, जिसका क्या मामले है, जबकि सरकारें आपकी केंद्र में भी है राज्य में ही। आपकी योजना जो है गरीबों को आबाद करने के लिए नहीं बनाई गई, उनको तो बर्बाद करने के लिए बनाई गई थी। आपका यह कह देना कि अब की सरकार तो काम कर ही रही है ना, आपने अभी पहली चर्चा में भी कहा था कि हमको मुक्ति चाहिए, किससे मुक्ति चाहिए, हमको भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए, क्या भ्रष्टाचार के आजादी आपकी सरकार में हो पाया था? वो भ्रष्टाचार अपने चरम पे था कि सरकारें चली गई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के एक एक मुद्दे अभी जो है वो बाहर आ रहे हैं। विपुल, जो मुझे जो मेजर कारण नजर आता है ये है कि जिनके लिए आपने योजनाएं बनाई, जो योजना बनाने वाले लोग थे, जो योजनाकार थे, जो कांग्रेस के समय में अगर मैं कहूं जो प्रधानमंत्री थे, ना उनको तो मजदूरों का कष्ट पता था, ना तो किसान, ना तो उनको मजदूरी से कोई आशय था, ना तो कभी उन्होंने किसानी की थी। एक कहावत है ना, जाके पैर न फटी बहाई वो का जाने पीर पाई। जो किसानों के दुख दर्द को ना जानता हो, जो मजदूरों को दुख दर्द को ना जानता हो, जो कभी किसानी ना किया हो, जो कभी मजदूरी ना किया हो, वो कैसे योजना बनाकर उसको इंप्लीमेंट कर सकता है? आप कह रहे थे कि आपने उत्पादन किया, आप कह रहे हैं कि स्टोरेज की क्षमता नहीं है। तो इतने लंबे समय तक आपका शासन था, आप चाहते हैं कि ये जो सरकार अभी 3 साल की आप बात करें, ये आई और एक दिन में सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर देती। सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, अबे दिलीप जी चर्चा कर रहे थे कि लोग पैसे दे के इलाज कराना चाहते हैं, उसके बाद भी दिक्कत क्या है कि बेड नहीं अस्पतालों में, लोग स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, पूरी फीस देना चाहते हैं, उसके बाद भी जगह नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? आज तो ये सरकार आई है, 3 साल की सरकार हो गई विपुल जी, एक बड़ी उपलब्धि है कम से कम कि एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया, ये सामान्य बात नहीं है। और इसी हिंदुस्तान में चीज हो रही है, आपकी मनसा ठीक होनी चाहिए, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपका नेतृत्व ठीक होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जो आप परिणाम चाहते हैं वो आपकी आशा के अनुकूल होगा, अन्यथा वो अनुकूल नहीं प्रतिकूल ही होगा। बहुत संक्षेप में, अभी हमारे प्रतिद्वंदी वक्ता ने बताई कि सच्चाई में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, नीति आयोग ने आपने बनाई, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, मेरी योजनाएं फेल थी, आपने नीति आयोग बनाया, बहुत सुंदर काम किया। अरविंद पनगड़िया जी 2 साल भी नहीं हुआ, 2.5 साल हुआ वो छोड़ के चले गए, क्यों चले गए इसका जवाब आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। नहीं, हम नहीं जानते, आप बता दीजिए ना। आपके बीच नहीं बोल रहा था मैं, आपके ही प्रश्न नहीं, आप उसको उत्तर दे दीजिएगा। दूसरी बात, किसानों जरूर लीजिएगा, विपुल जी जरूर लीजिएगा, किसानों की समस्या की बात आप कर रहे हैं, इस पिछले 3 वर्ष में किसानों की क्या दुर्दशा इस देश में है पूरा देश जानता है, मुझे डिटेल्स में नहीं जाना। और तीसरा, इलाज की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल अभी ये इतनी इस लेवल पर भी शर्मिंदगी तो कम से कम मिनिमम होनी चाहिए। कितने एम्स आपने बनाए थे, आपने 2 बनाए हैं, इसको हमने के अलावा आपने किया था, आपने गाड़ियां क्यों बेच रहा है, उसमें बनाए हैं आप के बारे में कहां कहां बनाए हैं, पनामा बोर कांड, कौन से कांड बच गए हैं पिछले 3 साल में? मुझे मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाए आप आपके पास अगर तथ्य हैं और आपके पास अगर वो दृष्टि है जो अपने पार्टी की तरफ से आप रख सकते हैं कि देखिए ये भूल, ये चूक, ये खामी हमारे अंदर, स्वीकार रहा हूं, एक राष्ट्र के रूप में हमें इन खामियों को आज चिन्हित करना चाहिए। आजादी के 70 साल को हम आज जश्न हम मना रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस, और जिन लोगों ने बलिदान दिए थे, अब एक जनरेशन, दो जनरेशन, कई जनरेशन उसमें लगे, और 300 साल की गुलामी के बाद जब हमें आजादी मिली तो उस आजादी के आज हमारे लिए कई लोग हम वैल्यू नहीं करते कि इस आजादी का क्या मतलब है, वी डोंट वैल्यू दिस फ्रीडम। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप, चूंकि संसदीय लोकतंत्र में पॉलिटिकल लीडरशिप सबसे महत्वपूर्ण है, उस लीडरशिप में, उस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में 2 मुख्य पार्टी आज हमारे साथ हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं यहाँ पे, नेता हैं यहाँ पे, कम से कम ईमानदार होके अपने अंदर झांके और उसको रखे सामने की देश में कि यहाँ पे तो सरकार की विफलता है, यहाँ पे आपकी भी विफलता है और इसको हम इस तरह से दूर कर सकते हैं, तो शायद ये ज्यादा मीनिंगफुल चर्चा होगी। एक उपेंद्र जी, मेरा सवाल जो है, हम तमाम खामियों पर भी बातचीत कर रहे हैं जो 70 साल में अचीव नहीं हम कर पाए, एक बड़ा मसला है सोशल सिक्योरिटी का, और खासतौर से तब जब अस्पताल जो है वो 5 स्टार बन चुके हैं कि एक खास तबका ही वहाँ पर जाकर के इतना महंगा इलाज हो गया है
कि वो जाकर के इलाज करवा सकता है। देश के आम सरकारी अस्पतालों के दिल्ली और आसपास के इलाकों में तब भी हालत ठीक है, छोटे छोटे गांव में सरकारी अस्पताल की हालत क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी भी शिशु मृत्यु दर जो है इस देश में अगर हम देखें तो तमाम दुनिया के मुल्कों के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं। तो ये जो बेसिक नेसेसिटी है जिसे सोशल सिक्योरिटी के नाम पर अभी भी इस देश में कुछ नहीं है, आपको लगता है इस पर फोकस होना चाहिए था जहां हम चुके हैं? देखिए सबसे बड़ी जगह जहां हम चुके हैं वही कि हमारे पास रिलायबल डेटा नहीं है, ना हमारे पास गर्मी का रिलायबल डेटा है, ना बेरोजगारी का रिलायबल डेटा है, ना इनकम डिस्पेरिटी का डेटा है और ना स्वास्थ्य से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उसका कोई डेटा है। तो सही बात है कि आज़ादी के बाद से कभी भी विश्वसनीय डेटा को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया गया, सर्वे किया जाता रहा, अभी घर बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या करते रहे। आप पूछिए लोगों से कि अगर रैंडम सर्वे होता है तो कितने लोगों के पास सर्वे करने वाले आए, आपको ऐसा भी मिलेगा ही नहीं। तो ये जो डेटा हमारे पास नहीं है तो ये सबसे बड़ी कमी रही है। और हमें याद आ रहा है एक सच्चर कमेटी ने कहा था कि एक नेशनल ऑटोनमस बॉडी होना चाहिए और एक नेशनल डेटा बैंक होना चाहिए। ये जनरल सब लोगों के लिए कहा था कि नेशनल डेटा बैंक हो तो उससे पता चले कि सोसाइटी में कितनी डेटा है, उसकी क्या समस्या है, कैसे क्या है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। योजनाएं तो हमने बनाई लेकिन योजनाओं के लिए जो बेसिक इनपुट चाहिए था, बेसिक जानकारी चाहिए थी, तो एक अनुमान पर हम सब कुछ करते रहे, एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं था। उसके कारण क्या हुआ कि जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जो राशि आवंटित की गई वो सही जगह नहीं पहुंची, वो गलत जगह पहुंच रही थी। तो ये तो खैर हमारे इतिहास की बात हुई। लेकिन अभी जो है नई टेक्नोलॉजी आई है, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस और नया जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसका इस्तेमाल करके एक रिलायबल डेटा हम तैयार कर सकते हैं जिससे कि सही जगह है पहुंचे। तो अभी 70 साल में हमें देखना चाहिए कि 50s में, 60s में, 70s में, 80s में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हमारे पास नहीं थे वो अभी पिछले 10 साल से, 15 साल से, पिछले 3-4 साल से, आगे पिछले 5 साल से, तो उसका हम कैसे बेहतर इस्तेमाल करके नॉलेज, सही जानकारी, सही आंकड़े, गरीबी के किसको हमें चाहिए, कौन अभी तक बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है, ये सही ढंग से यूनिवर्सली कोई डिफिनेशन नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन क्या। अभी कुछ दिन पहले आ रहा था कि बिलो पॉवर्टी लाइन में अगर दो में एक चीज़ आपको रह गया, वॉशिंग मशीन, उन्हें बोला कि बीपीएल का ही खत्म कर देना चाहिए कंसेप्ट होना चाहिए कि जिसके घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, ये दोनों में ये और स्कूटर, तो इसमें अगर चार में से अगर दो किसी के पास हो तो उसको किसी भी तरह की सरकारी असिस्टेंस नहीं मिलती। अभी एक ताज़ा कोई प्रस्ताव है तो योजना आयोग बनाए लेकिन योजना के लिए जो हमें जानकारियां चाहिए थी वो नहीं थी। अभी एक नेशनल डेटा बैंक और प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया, लेकिन नीति आयोग से भी कुछ होना नहीं है। एक ऑटोनोमस मॉनिटरिंग जिसका काम मॉनिटर करना हो और पॉलिसी डिसाइड करने का काम सरकार करे, लेकिन जो मॉनिटर करने के लिए है वो कुछ है नहीं, जो मॉनिटर करके बतलाए कि इसमें ये गड़बड़ी हो रही है, इस क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है, उनको मैकेनिज्म में खड़ा है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ नहीं हमारे यहाँ कोई सही तस्वीर। हाँ, उसके कारण कुछ हमें आइडिया ही नहीं है कि कितना सरकारी स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, ये मिड डे मील आप चला रहे हैं उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बच्चे खाने के लिए जा रहे हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या उस पर जितने रुपए खर्च हो रहे हैं उसका कोई अल्टरनेटिव। मतलब मॉनिटरिंग को लेकर के जो काम होने चाहिए थी, कम से कम पता रहे सरकार को कि कहां कमी हो रही है, वो अब तक व्यवस्था हम नहीं बना पाए और ये बड़ी बड़ी चूक। नेशनल डेटा बैंक भी नहीं है, नेशनल डेटा बैंक नहीं है। पुष्पेंद्र जी, एक इसी सोशल सिक्योरिटी से ही जुड़ा हुआ सवाल आपसे भी है कि ये जो एक बेसिक नेसेसिटी है, आप किसी भी डेवलप कंट्री में जाएंगे कि भाई जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी जीविका जी सकें, अब जो बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर चिंता ना हो, जो लोग बेरोजगार हैं इतना मिल जाए कि वो अपना भोजन कम से कम कर सकें, आत्महत्या ना करनी पड़े अगर रोजगार ना मिले तो, तमाम देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। ये भी इस तरफ भारत में कभी सोचा नहीं गया, कुछ जगहों पे दी भी जा रही तो वो भी परिवार तक पहुंच नहीं पाती हैं या अमाउंट इतना कम होता है कि उसमें आप एजुकेशन या तमाम चीज़ें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए मुझे क्या लगता है कि शुरू के अगर हम कुछ दो दशक छोड़ दें आज़ादी के बाद, क्योंकि आप ये भी देखें कि जब आज़ादी मिली तो इस देश को एक बड़ी त्रासदी भी मिली जिसमें 10 लाख लोग मारे गए,
तो आप आजादी तो आपको मिली, उसके साथ साथ ऐसे हालात भी हो गए कि आपका बहुत समय उसमें जाया हो गया। लेकिन एक चीज जरूर देखें कि सरकारें आई, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकारों ने, जैसे कहते हैं ना, एक विजन होता है देश के लिए, एक विजन होता है पार्टी के लिए, चुनाव जीतने के लिए। ये जो टेम्परेरी और जो जिसको डेली वेजेस वाला अंदाज है कि आपने किसी एक समस्या को किन्हीं कारणों से हल करने की कोशिश नहीं की, और जिसने हल करने की कोशिश की उसके खिलाफ माहौल बना, तो उसके बाद फिर किसी ने उसकी तरफ छूने की कोशिश नहीं की। हमको याद है कि फैमिली प्लानिंग को लेकर इस देश में बहुत कुछ हुआ। हो सकता है कि कुछ कुछ केसेस गलत सलत भी हो सकते हैं, इतना बड़ा देश है, इतनी गरीबी है, अशिक्षा है, उसमें कुछ हो सकता, लेकिन मैंने देखा कि उसके बाद से सारी सरकारों ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम कितनी फैक्ट्री लगाएंगे, हम कितनी सड़कें बनाएंगे जब हर साल हमारे देश में 10 करोड़ लोग या 5 करोड़ लोग पैदा हो जाएंगे, और वो भी एक ऐसे हालात में जबकि देश को मात्र 70 साल हुए। आप देखें आज अमेरिका जो है कोई 300 साल के आसपास उसकी आजादी पहुंच रही है, आज भी इतने सालों 250-300 सालों के बाद उसकी टोटल आबादी 35 करोड़ है, और हम जब आजाद हुए थे जो अजय भाई बता रहे हैं या दूसरे लोग बता रहे हैं कोई 40 करोड़ या 45 करोड़ के आसपास थे, हमने 70 साल में दुगनी कर दी। तो हम बेसिक चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी बात आप ये देखें कि हमारे यहां सरकारें बनी लेकिन समाज नहीं बना, और समाज न बनने की वजह से सरकारें वैसे ही आई जैसे समाज था। आज हम ये बात गलत में मैं कहता हूं, इस आर्गुमेंट को मैं गलत मानता हूं कि हमारे यहां नेता आते हैं वो चोरी करते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि समाज को आपने ऐसा बना दिया है कि भ्रष्टाचारी को ही वोट देते हैं वो। अगर समाज ये तय कर ले कि हमें किसी गरीब को वोट देना है, किसी ईमानदार को वोट देना है, तो आप इस बात को इमेजिन नहीं कर सकते आप 2017 में कि क्या कोई आदमी शरीफ हो जिसने बहुत कुछ काम किया हो, जिसके क्रेडेंशियल बहुत साफ सुथरे हो, ट्रांसपेरेंट जिंदगी हो, वो चुनाव जीत सकता है, वो सोच ही नहीं सकता। तो शिक्षा आपने ऐसी कर दी है, जो शिक्षा आप दे रहे हैं, पहली बात तो शिक्षा इतनी इतनी ज्यादा महंगी है और है ही नहीं बहुत सारे इलाकों में कि वहां आम आदमी या गरीब आदमी नहीं पहुंच सकता। आप देखिए न्याय व्यवस्था बेसिक जो है स्वास्थ्य और शिक्षा, किसी भी देश में पैदा होने के साथ साथ स्वास्थ्य चलता है, और उस देश के अंदर न्याय व्यवस्था और स्वास्थ्य, तीन चार चीजें ऐसी हैं जिसको आप किसी भी कितने भी डेवलप हो जाए तब भी आप अलग नहीं कर सकते। आज भी आपके देश में हजारों जो हैं विदेशी इन्वेस्टी इसलिए आती हैं कि जिनके पास पैसा है वो चले जाते हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं है। आज आप देखें कि पहले हमने कुछ दिन पहले ये सुना था कि सरकार आई है, तो सरकार अगर ये कह दे कि नेताजी अगर बीमार होंगे तो उसी गोरखपुर के हॉस्पिटल में एडमिट होंगे जिसमें बच्चा दूसरे गरीब का होता है, लेकिन नेताजी तो जिनका कंधा टूट गया था, लोकल एमएलए थे, वो लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में एक महीने से भर्ती थे। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप जिसके पास है वो अमेरिका भी जा सकता है, जिसके पास नहीं है वो जो बेसिक सुविधाएं आपने देखी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल देखे हैं, वह गायें घूमती हैं, कुत्ते घूमते हैं, शिक्षा की स्थिति यह है कि लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्लासरूम नहीं है। आप न्याय व्यवस्था इस देश में देखिए जिसके बारे में कम बात होती है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। मैं समझता हूं आज राजनीति से ज्यादा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो न्याय व्यवस्था के अंदर है। लोग करोड़ों करोड़ों रुपया देकर चीफ जस्टिस बन जाते हैं, लोग करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर फैसले देकर चले जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि चर्चा होने का मतलब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और बड़ा खुला है ये रूप। तो आम आदमी जो है जिसकी आय बहुत कम है, जो अपना जीवन दो कमरों में जीता है, उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची है, और छोटी छोटी बातों में न्याय व्यवस्था, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन आपके बेडरूम में चला गया है। अब छोटी छोटी बात जो है वो कानून से तय हो रही है। तो समाज टूटा है, समाज के अंदर जो ट्रेडिशनल चीजें थी वो कमजोर पड़ी हैं, और समाज एक तरीके से असहाय हो गया है। उसको शिक्षा लेनी है तो बाहर जाना है, उसको स्वास्थ्य लेना है तो बाहर जाना है, वो है नहीं, वो उनकी टर्म्स मिलता है। और न्याय व्यवस्था ने इस देश को बड़ा खोखला किया है, समाज का बहुत बड़ा वर्ग आज की न्याय व्यवस्था से उसका 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 पूरा यकीन हट गया है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई फैसला आता है जिसके हक में नहीं आता वो सड़कों पे उतर आता है, जो चीजें देश तोड़ने की लोग बात करने लगते हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि हमने रिजर्वेशन पॉलिसी लाए थे, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी क्या हम इसलिए लाए थे कि अनादिकाल तक ये चलती रहे, उसका कभी कोई रिव्यू करने की बात होती है तो वो एक वोट बैंक में बदला जा चुका है कि अगर आप उसकी बात करेंगे तो भाई वोट बैंक है। इसी तरह इस देश
में संविधान में कुछ धाराएं लगाई गई थी बख्ती तौर पे, आज वो अलगाववाद की ताकत में बदल गई हैं, वो एक वेपन में बदल गया है। इस देश में अगर कोई ये कहे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गलत धारा जोड़ी गई है जिसे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा हो, लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक राज्य का साबिक मुख्यमंत्री और उस सूबे के तमाम सारे लोग ये कहें कि अगर इससे छेड़छाड़ की गई तो पूरी सड़कों पर खून बहा दिया जाएगा और कश्मीर भारत से, ये जो सोच है ये खतरनाक है। आप संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते, आप अदालतों का सम्मान नहीं करना चाहते, आप देश को चैलेंज करते हैं, ये तमाम बड़ी ऐसी समस्या है जिससे जूझना आसान नहीं है। इसलिए एक मजबूत विल के साथ काम करना पड़ेगा। कौन खुश होता है, कौन नहीं खुश होता है, कौन सा वोट बैंक नाराज होता है नहीं होता है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा आपको। दिलीप जी, दो बातें सामने आ रही है, एक तो करप्शन एक ऐसा विषय रहा जिस पर राजनीति भी बहुत हुई, वोट भी मांगा गया, लेकिन वो समाज में इतने अंदर तक घुस चुका है कि वो किसी भी सरकार के बस का शायद अब रहा नहीं है। लोगों को आदत पड़ चुकी है, छोटे मोटे काम के लिए भी, मिठाई के लिए ही 100 रुपए देते, लेकिन ये आदत पड़ चुकी है। ट्रेन के रिजर्वेशन से लेकर के नौकरी पाने तक हर जगह करप्शन है। क्या ये एक वजह रही आपको लगता है कि वो किसी गवर्नमेंट में विल पावर नहीं रही कि इसको दूर, अगर ये दूर होता तो शायद जिस हम सोशल सिक्योरिटी और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं उसमें स्थिति शायद तस्वीर दूसरी होती है इन 70 सालों में। मुझे लगता है इसके दो पक्ष में, बोले एक है जो व्यवस्था में भ्रष्टाचार है जिसके लिए आपको मजबूर होना पड़ता है पैसा देने के लिए, कि आपको कोई भी काम चाहे, आपको स्वास्थ्य सेवा बेहतर चाहिए तो उसके लिए भी, आपको एक कार्ड बनवाना है उसके लिए भी, जो व्यवस्था में है आपको जहां मजबूर होना पड़ता है व्यवस्था में, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपका लेजिस्लेचर, जो जुडिशियरी है, जो आपकी मीडिया है, जो आपके वो एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष है जो आपके सामाजिक चरित्र में जो है, दो अलग अलग पक्ष है। मुझे लगता है जो सामाजिक पक्ष है उसका, वो चरित्र निर्माण का विषय है कि हम अपने आप में, क्योंकि हम जिस व्यवस्था को हमने अडॉप्ट किया, संविधान हमारा एक बेहतर संविधान बनाने की कोशिश करके हमने समाज को अलग अलग जो लोग वंचित थे उनको एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान किए गए और उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आए हैं, और उस चीज को और बेहतर करने की जरूरत है कि जो समाज में जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से बाहर हैं उनको कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उनको राष्ट्र का एक जो नागरिक है हर बराबर का, उसको वाकई जो इक्वालिटी की बात है उसको कैसे हम इंश्योर करें, तो वो एक इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, उसके बीच का जो फासला है उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार समाज में जो सामाजिक कारणों से जुड़े हुए हैं। जो दूसरा व्यवस्था में है उसमें हमने देखा है कि पॉलिटिकल बहुत सारे चीजें ऐसे बदलाव, ये 52 के इलेक्शन को आप देखें और 2014 के इलेक्शन को देखें, आप उस समय के संसाधन जो लगाए गए थे चुनाव लड़ने में उसको परसेंटेज में देखें कितने परसेंट संसाधन जो था, यानी पैसे लगे थे, और 2014 में किस तरह से हमने पैसे खर्च किए हैं, और दोनों पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, कितने बड़े स्केल पे हमने चुनाव में पैसे खर्चे किए हैं। वो पैसा अगर खर्चा करना है चुनाव में तो वो उसी व्यवस्था, जो व्यवस्था वाला भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार के जरिए अलग अलग चीजों से पैदा हुआ वो भ्रष्टाचार है, उसको पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको पोषक बना हुआ है, कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मजबूरी में या चॉइस उनकी जो है वो बना हुआ है, और ये सबसे बड़ा कारण है व्यवस्था में पॉलिटिकल करप्शन को एक कहीं ना कहीं। घटना चक्र ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और तब हम बात कर रहे हैं आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, क्या खोया क्या पाया, क्या इन 70 सालों में हमें जहां पहुंचना चाहिए था वहां तक हम पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, कहां चूक रह गई, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत अब तक हमने की, लेकिन अब कार्यक्रम के अब आखिरी हिस्से में आ गए हैं, और अब जिस तरीके से एक बड़ा परिवर्तन एक लंबे समय के बाद 2014 में देखने को मिला, एक बड़ा मैंडेट मिला और परिवर्तन यात्रा निकाली गई, अच्छे दिन की बात कही गई, इन 3 सालों में क्या किस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में कोई नया परिवर्तन आ रहा है समाज के अंदर, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करते हैं। लास्ट कमेंट सबसे लेंगे, उपेंद्र जी पहली टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे, इन 3 सालों की अगर हम बात करें तो कोई बड़ा परिवर्तन आपको लग रहा है या आपको लग रहा है
काम और चीजें उसी तरीके से चल रही हैं जैसे पहले चल रही हैं। अब देखिए, उम्मीदें लोगों को बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, और अभी भी सरकार से उम्मीदें बची हुई है। लेकिन जो करना चाहिए था सरकार को, उसे भ्रष्टाचार के मोर्चे पर उसका कोई मैकेनिज्म ढूंढना चाहिए था रोकने के लिए, अभी तो कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ है। भ्रष्टाचारियों को जितना व्यापक भ्रष्टाचार है उस हिसाब से कोई बहुत धीमी कार्रवाई चल रही है। जो जिस युद्ध स्तर से कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हो रही है। फिर देखिए, जुडिशरी है, ये भी सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की। इसको आप जुडिशियल टेररिज्म कहिए कि एक तरह से न्यायिक आतंक है हमारे देश में, तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा था चुनाव के पहले कि हम कुछ करेंगे, लेकिन उसमें भी जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और पता नहीं ये सरकार की व्यवस्था है या सरकार की मंशा ही नहीं है करने की, या सिस्टम की कुछ ऐसी खामियां हैं जिसके कारण कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा, लेकिन हाँ, यह उम्मीदें लोगों उम्मीदें काफी ज्यादा अभी भी बनी हुई है। 3 सालों में उम्मीदों के अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ। अजय जी, बहुत संक्षेप में, एक एक मिनट सबके लिए समय सर। भाजपा के घोषणा पत्र में जिस तरह से 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी, वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दहाड़ दहाड़ के जिन जिन चीजों की घोषणाएं की और लोगों को जिस तरह से प्रयास किया हमारे कांग्रेस के 60 साल के शासन को बदनाम करके या अपनी योजनाओं को लाने का, हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हम तो एक विपक्ष में है, हमारा तो काम है प्रतिपक्षी भूमिका निभाना, लेकिन देश के आम लोगों को ये जानकारी है कि क्या नागरिक समाज में जो सामाजिक समानता और स्वतंत्रता की बात उठाई जा रही थी वो हुआ है, क्या संवैधानिक संरक्षण संस्थाओं का जो होना चाहिए था क्या हुआ है, क्या विभक्ति की आजादी को जगह मिल रही है, क्या प्रतिपक्ष की जो आवाज होती है उसको स्पेस है। ये प्रजातंत्र का आधार है विपुल जी। मैं बाकी चीजों पर नहीं, बाकी चीजें तो प्रशासनिक होती हैं, सरकारी होती हैं, सरकार और पार्टी करती रहती है। मेरा मानना है सिर्फ कि जो बेसिक आधार है भारत के संविधान का, उसकी सुरक्षा और उसका संरक्षण बहुत जरूरी है, और वो इस सरकार कर ले, मैं यही इनकी उपलब्धि मानूंगा। बाकी चीजें तो अपनी जगह। 3 सालों में परिवर्तन आए, लेकिन वो नकारात्मक परिवर्तन है। नहीं, मैं नकारात्मक नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो होने चाहिए, सुधार के जो स्तर होने चाहिए, विकास जो दायरा था, विकास के एजेंडे पर आए थे, विकास के एजेंडे पर लगे, कभी गाय पर, कभी बछड़े पे, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कभी हिंदू पे, कभी मुस्लिम पे ना लगे। दिलीप जी कह रहे हैं, अजय जी, वो तो चीजें बहुत पहले से होती रही है। 14 में एक उम्मीद, एक बड़ी उम्मीद, उम्मीदों के पहाड़, जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनसे लोगों ने उम्मीद की थी कि वो जब आएंगे तो जिस तरह से उन्होंने पूरी बातें कही थी तो चीजें कुछ उस तरह से होगी, उसी तरह से उम्मीद थी। यहाँ दिक्कत यह है कि इस व्यवस्था में आप सिर्फ रोगी का इलाज कर रहे हैं, रोग का इलाज नहीं कर रहे हैं। दिक्कत यह है, और इस व्यवस्था में ऐसी खामी है कि अगर आप रोग का इलाज करने जुटेंगे तो हो सकता है कि आप रोगी की तरह मर जाएं। ये एक बड़ी समस्या है इसका। लेकिन अगर कोई भी इस देश के प्रधानमंत्री ये सोच ले कि मैं सिर्फ अभी प्रधानमंत्री हूं, अगला मैं क्षण प्रधानमंत्री रहूंगा या नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ ऐसा कर देना है जो इससे देश में उस रोग का इलाज हो जाए, तो मुझे लगता है वहां से परिवर्तन असल की शुरुआत हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं, 70 साल के इस यात्रा में इस तरह से सोच के, मुझे नहीं लगता है कि सोच के कोई प्रधानमंत्री बैठे हों कि मैं तो प्रधानमंत्री हूं सिर्फ आज के लिए, मुझे अगले टर्म चुनाव नहीं जीतना है, मैं तो देश को बना के जाऊंगा, चाहे जिनको उस देश बना निर्माण में जिसकी बलि चढ़ाना हो चढ़ जाए। चले दिनेश जी, 30 सेकंड में। विपुल जी, तरह तरह की बातें हुई, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अब और कैसी अभिव्यक्ति की आजादी चाहेंगे कि नेता चले जाते हैं वहां जहां नारा लगते हैं भारत के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लेंगे रहेंगे आजादी। परिवर्तन क्या हुए? ये परिवर्तन नहीं, देखिए हम ये कह रहे हैं कि आप दोष दे रहे हैं। 3 सालों में जितनी तेजी के साथ मुझे लगता है कि काम हो रहा है, आजादी के इतने सालों में कभी नहीं हुआ था। चीजें हो रही, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं, आपने कहा ना विमुद्रीकरण किया, हाउ तौबा मच गया, इतना बड़ा काम हुआ, आप कह रहे हैं नहीं। इतने परेशानी के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद जनता ने उसको स्वीकार किया, इसलिए जनता ने सरकार की मंशा क्या। दूसरी, आप कह रहे हैं अदालतों पर, अब जब लोग अदालतों की बातों को अगर सरकारें नहीं माना करेंगी सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, अदालतों का हश्र क्या होगा? और इस देश में जो संवैधानिक वरिष्ठतम संवैधानिक पद पर बने हुए लोग
जिनका काम है कि लोगों को भयमुक्त करें, वही अपने पद पर बने रहने पर कहते हैं जब जाने लगते हैं कि मुझे डर लगता है तो देश का क्या होगा। और एक चीज विपुल जी, समय समाप्त हो गया सर, मुझे आज कमर्शियल का वक्त हो गया। मुझे लगता है देखिए इसमें बहुत कुछ कहने का नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स कि इस वक्त भले ही इस सरकार को 3 साल हो गए हों और जो आदमी गरीब है, जो पिछड़ा है, जो हाशिए पे खड़ा है, उसको अभी भी ये यकीन है कि ये आदमी अच्छा करेगा, ये यकीन मैं समझता हूँ भारतीय समाज में बड़े कम समय के बाद आया है। और वो करता है नहीं करता मुझे नहीं पता है, 70 साल से है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी आपका, दिलीप जी आपका, दिनेश जी आपका, उपेंद्र जी आपका, अजय जी आपका। घटना चक्र में इतना ही, एक बार फिर से आप सभी को 71वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।